कुलगाम के कोंड इलाके में आज बाद दोपहर बाद जबरदस्त चालाबारी हुई, जिसके नतीजे में मेवा खड़ी फसलों के साथ साथ धान की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। मुकामी किसानों ने इंतजामिया से अपील की है कि किसानों को भरपूर मुआवजा अदा किया जाए और नुकसान का तखमीना लगाया जाए। वही किसानों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि मुतल्लिका महकमों की टीमों को रवाना किया जाए। इस दौरान मुकामी DDC गुलजार अहमद शेख ने भी इंतजामिया से अपील की है कि किसानों को भरपूर मुआवजा अदा किया जाए और नुकसान का तखमीना लगाने के अलावा मुतल्लिका टीमों को अलग के लिए रवाना किया जाए। हम आपको बताएं कि बाद दोपहर बाद ही कई इलाकों में कोंड के कई इलाकों में इस तरह की चालाबारी हुई और जिसके नतीजे में खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जिस तरह आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि धान जो है वो किस तरह से कितने नुकसान हुआ है और ये आपकी स्क्रीन पर, और हम आपको बताएं कि ये बाद दोपहर बाद ही कोंड के कई इलाकों में इस तरह की चालाबारी हुई और जिसके नतीजे में ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी धान जो है, धान की खेती आप नजर आ रही है आपको, और पूरा नुकसान हुआ है। और मुकामी लोगों ने और मुकामी किसानों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि इलाके के लिए टीमें रवाना की जाएं और साथ साथ मुआवजे की अदा भी, मुआवजा जो है उसके हवाले से भी बात की। हम आपको बताएं कि मुकामी DDC ने भी जिला इंतजामिया से अपील की है कि इलाके के लिए टीम रवाना किया जाए और नुकसान का तखमीना लगाया जाए। जिस तरह से आप देख रहे हैं इलाके में काफी नुकसान हुआ है और मुतल्लिका महकमे को ये मुकामी लोग अपील कर रहे हैं कि नुकसान के साथ तखमीना लगाने के साथ साथ टीमों को रवाना किया जाए ताकि खड़ी फसलों का तखमीना लगाया जाए।